नोटबंदी की मारामारी के बीच अब लोगों के लिए एक और परेशान करने वाली खबर आई है। अब पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर 15 दिसंबर तक चलने वाले पुराने 500 के नोट 2 दिसंबर तक ही मान्य होंगे। पीटीआई के अनुसार पुराने नोट इन जगहों पर शुक्रवार तक ही इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इन्हें 15 दिसंबर तक के लिए मान्य किया था। वित्त मंत्रालय का मानना है कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप को ऑयल कंपनी को पैसा चेक से देना होता है। ऐसे में जब पेट्रोल पंप पर 500 के पुराने नोट आते हैं तो वह उन्हें बैंक में जमा कर देते हैं और नए नोटों को कमीशन लेकर बदलने के काम में लगा देते हैं। कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले 30-35% कमीशन ले रहे हैं। वहीं टोल फ्री सेवा की लिमिट कल खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी जरूरी सेवाओं, सरकारी अस्पताल, दूध बूथ जैसे जगहों पर 500 के पुराने नोट मान्य होंगे। नोटबंदी का आज 23वां दिन है, लेकिन अभी भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। अभी भी एटीएम और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में कुछ जरूरी जगहों पर 500 के पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट देकर सरकार ने कुछ राहत दे रखी थी, लेकिन अब पेट्रोल पंप और एयर टिकट के लिए यह मियाद कल खत्म हो जाएगी। जाहिर है कि इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।